नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। जुलाई 2019 में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, ऐसे कौन कौन से शुभ दिन हैं जब कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया जाए तो बड़ी शुभता के साथ, बड़ी सफलता के साथ वो संपन्न हो सके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा विवाह के लिए। विवाह के लिए जुलाई माह में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं। जुलाई माह में 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये लगातार तारीखें जो हैं विवाह के लिए अत्यंत शुभ तारीखें मानी गई है। हालांकि एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 12 तारीख को देवशयनी एकादशी है। 12 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। हमारे हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी के बाद से जब तक देव उठनी एकादशी नहीं होती तब तक ये मान्यता होती है कि देव सोते हैं, और इस बीच में जो विवाह की तारीखें बिल्कुल नहीं आती है। तो ये विवाह की अभी फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ इन द सेंस इस साल 2019 का फर्स्ट हाफ ईयर की अत्यंत शुभ तारीखें मानी गई है। यदि हम यहां पर बात करते हैं व्यापार आरंभ करने की, यदि आप कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, अपनी ब्रांच आप फैलाना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उसे एक्सपांड यदि आप करना चाहते हैं, तो यहां पर मुझे 8, 4, 10, 22 ये जो तारीखें हैं ये व्यापार आरंभ की या फिर अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को और बड़ा करने की, बिजनेस एक्सपांड करने की अत्यंत शुभ तारीखें यहाँ पर मानी गई हैं जुलाई में। इसके बाद में यदि हम बात करें गृह आरंभ की, यदि आप मकान का उद्घाटन करवाना चाह रहे हैं, गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गृह आरंभ करना चाह रहे हैं, घर ऑलरेडी बना हुआ है उसका ऑलरेडी उद्घाटन आपने किया था, आपने गृह प्रवेश की भी कुछ विधियां कर दी थी लेकिन आप वहां पर घर पर नहीं जा सके थे, अब आप चाहते हैं घर पर जाकर के रहना, तो उसकी शुभ तारीख है तारीख 17। इसके बाद में यदि हम बात करें सर्वार्थ सिद्धि योग की, देखिए अपने हर शुभ मुहूर्त के वीडियो में मैं आपसे सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र की तारीखें भी शेयर करता हूँ। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी यही बताऊंगा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्वार्थ यानी सारे, सिद्ध यानी पूर्ण हो जाना, सफल हो जाना, तो सारे काम जो है वो सफल हो जाए ऐसा जो योग हो उसे सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में मान्यता ये होती है कि महत्वपूर्ण कार्य जो है वो यहाँ पर संपन्न किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य जैसे आप जिन कार्यों को जीवन में बार बार दोहरा सकते हैं लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गाड़ी खरीदना, AC खरीदना, फ्रिज खरीदना, इस तरह के कोई महत्वपूर्ण कार्य हैं तो आप जो हैं सर्वार्थ सिद्धि योग में इन्हें संपन्न कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीख है तारीख 1, तारीख 4 और तारीख 23, 1st of July, 4th of July, 23rd of July 2019। इसके बाद में यदि हम बात करें पुष्य नक्षत्र की, पुष्य नक्षत्र आप सभी जानते हैं गुरुदेव का, बृहस्पति देव का ये नक्षत्र होता है और इसके लिए कई लंबे समय से इंतजार किया जाता है। पुष्य नक्षत्र में अधिकतर सोना खरीदा जाता है, सोना खरीदने को या चांदी खरीदने को पुष्य नक्षत्र में बड़ा शुभ माना जाता है। ये मान्यता होती है कि सोना या चांदी पुष्य नक्षत्र में यदि खरीद लिया तो ये सोना और चांदी आपके धन में, आपकी लक्ष्मी में, आपकी सिद्धि में, आपकी प्रसिद्धि में, साथ ही साथ आपकी अन्नपूर्णा में बहुत ज्यादा बरकत देते हैं, बहुत ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो तारीख 4, 4th of July, ये जो है पुष्य नक्षत्र की तारीख है, इस दिन आप सोने की खरीदी कर सकते हैं। हालांकि सोने के साथ साथ वाहन खरीदी भी इस दिन की जाती है या फिर महत्वपूर्ण सामानों की खरीदी भी की जाती है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र की तारीखें भी मैंने बताई, विवाह, गृह आरंभ और साथ ही साथ व्यापार आरंभ की तारीखों के साथ साथ। यदि आप उपनयन संस्कार करवाना चाह रहे हैं या फिर जिसे जनेऊ धारण संस्कार भी कहते हैं तो इस तरह के संस्कार के योग यहाँ पर मुझे जुलाई माह में बनते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ मुंडन संस्कार भी है तो उसके भी योग मुझे जुलाई माह में नहीं दिखते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताए शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त जो कि जुलाई 2019 के लिए होंगे। यदि आप इसी तरह हर माह की शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रह सकते हैं। यदि आप साप्ताहिक राशिफल, मासिक या वार्षिक राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब करके रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में नमस्कार।